तो आजकल सोशल मीडिया पे ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक तेजस ट्रेन का मॉडिफाइड लोकोमोटिव है और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आपका फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब जितनी भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के वहाँ हर जगह पे ये पिक्चर वायरल हो रही है तो कुछ लोगों का कहना है कि ये नया तेजस का लोकोमोटिव है या कोई स्पेसिफिक ट्रेन को चलाने के लिए नया लोकोमोटिव तैयार किया जा रहा है तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस लोकोमोटिव के पीछे की कहानी क्या है तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए सर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक एरोडायनोमिक लोकोमोटिव है जो कि पुश और पुल की टेक्नोलॉजी काम करता है अब एरोडाइनमिक से मेरा मतलब क्या है एरोडायनमिक लोकोमोटिव वो लोकोमोटिव होते हैं जिसका जो आगे का हिस्सा होता है वो नकीला होता है अब आगे का हिस्सा नुकीला होने के पीछे क्या रीजन है आगे का हिस्सा नुकीला होने से उस एयर ड्रैग का प्रेशर कम लगता है जिससे वो मैक्सिमम स्पीड अपनी कवर अप कर सकता है कम से कम टाइम में पुश और पुल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि दो लोकोमोटिव ट्रेन के शुरुआत में और आखिरी में लगाए जाते हैं एक हिस्सा ट्रेन को खींचता है और एक दूसरा हिस्सा जो होता है उसको पुश करता है यानी धक्का देता है और इसका आगे का हिस्सा नुकीला होता है और पीछे का हिस्सा एकदम समतल होता है जिस डिब्बे कनेक्टेड होते हैं यानी कि बोगीज कनेक्टेड होती हैं और यह लंबे रूट के लिए और जिस में ज़्यादा बूगीज़ होती हैं उस ट्रेनों को जल्दी से उनकी डिस्टेंस को कवर करने के लिए यह टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं पुश और पुल टेक्नोलॉजी एरोडाइनमिक होने से इसके ऊपर एयरैक का प्रेशर नहीं लगता है एरोडाइनमिक से जैसे आप देख सकते हैं फ्लाइट हो गई आपकी और एयर जेट हो गए नाव हो गई जितनी भी चीज़ें नुकीली होती ताकि उस पर प्रेशर ना लग सके नाव हो गया पानी में उसका प्रेशर ना लग सके आसानी से वो चीरता हुआ निकल जाए सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी लगाया जाता है क्योंकि एयर का कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है कुछ स्पीड के बाद अगर बात करें इसको किस कंपनी ने बनाया है तो इसको बनाया है सी द्वारा जो है पुष्पोल टेक्नोलॉजी का ये एयरोडाइनमिक लोकोमोटिव तैयार किया जा रहा है और बात करें अगर इसकी स्पीड की तो इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर होगी लेकिन यहाँ के जो हमारे इंडिया के ट्रैक्स हैं वो कैपेबल नहीं है कैपेबल होने से मतलब वो फ़िक्स नहीं है फ़िक्स करने पड़ेंगे उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अभी इसकी स्पीड मैक्सिमम गवर्नमेंट ने जो की है वो 100 के या फिर 120 सौ बीस डेढ़ सौ के तक ही रखेगी इससे ऊपर नहीं जाने देगी ये तो बात होगी नया लोकोमोटिव कहाँ तैयार हो रहा है क्यों तैयार हो रहा है किस लिए तैयार हो रहा है लेकिन अब ये कहाँ पर यूज़ किया जाएगा ये बात तो क्लियर है कि ये तेजस एक्सप्रेस के लिए बनाया जा रहा है लेकिन कौन सी तेजस एक्सप्रेस में लगाया जाए क्योंकि यहाँ पर अभी इंडिया के अंदर चार तेजस ट्रेनें जो हैं वो रन कर रही हैं जिसमें दो आई सी के ज़रिए चलती हैं और दो इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई जाती हैं अब ये नहीं पता है कि किस तेजस के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा जिससे उसकी स्पीड बढ़ाई जाए जिसका रूट लंबा होगा और जिसमें ज़्यादा बोगीज़ होंगी उसी में यूज़ किया जा सकता या फिर हो सकता है किसी स्पेसिफिक ट्रेन के लिए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है तो अभी तक इस लोकोमोटिव से रिलेटेड अभी तक मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन मिल पाई है अगर इससे रिलेटेड मेरे को और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्रोवाइड कराते रहते हैं